हेलो गाइस, ये स्वामी है। स्वामी का कोफ्ता बनेगा। अब स्वामी का कोफ्ता हम बहुत खाए हैं। हाँ, और ये कचकेला डालकर तो खाए नहीं है, ये हम कचकेला डालकर कोफ्ता बना रहे हैं। ठीक है, सोयाबीन और कच्चा केला का कोफ्ता लेकर कोफ्ता बना रहे हैं। स्वामी दे रहे मिक्सर में, ये कच केला है, ये भपा लिए थे, बोरी में कर लिए थे। ये अदरक के टुकड़े हैं, ये चार कच्चे मिर्च है, ये धनिया पत्ता, पीस लिए हैं, इसको निकाल रहे हैं। अगर दरदरा सा पीसे तभी खाने में अच्छा लगेगा। इसमें एक चम्मच बेसन डाल रहे हैं, एक आधी आधी चम्मच आग डाल रहे हैं, बेसी नहीं देने को। गरम मसाला दे रहे हैं, घर का पिसा हुआ है। स्वाद अनुसार नमक और ये प्याज, ये सब मिक्स करके हम बॉल बना लेंगे। एक एक करके हम लड्डू बना लेंगे। एक एक करके लड्डू बन रहा है, बन गया तो ये लड्डू बन गया है। ये जा रहे हैं फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया है, फ्राई करने डाल रहे हैं कुकर। ये कोफ्ता हो गया है, निकल रहा है। अब इसी में थोड़ा ये डाल दें, लहसुन 10-12 कर लिए, अदरक, टमाटर, सूखा मिर्चा दे रहे हैं, 2 दालचीनी दे रहे हैं, 2 लौंग, ये इलायची छोटी इलायची, 2 लौंग दे रहे हैं। ये प्याज डाल रहे हैं। दो तेजपत्ता दे रहे हैं। अदरक, लहसुन, सूखा मिर्चा, धनिया, जीरा, धनिया, जीरा और कश्मीरी मिर्चा और ये हल्दी पाउडर, ये हम सब डाल दें इसलिए। स्वाद अनुसार नमक, हाँ टमाटर पेस्ट भी है उसमें, तो अभी की चाली बोल रही। तेल छोड़ दिया है, अब इसमें पानी डाल दें।
इसमें हम ये कोफ्ता डाल दें। इसमें गरम मसाला दे रहे हैं, एक चम्मच गरम मसाला डाल लें। थोड़ा चीनी डालने हैं, कलर अच्छा आएगा। थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। कोफ्ता रेडी है, रेडी हो गया है कोफ्ता, फाइनली रेडी हो गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।